हेलो गाइस, मैं हूं अदनान हयात और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन हयात। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ 10 फीट बाय 30 फीट का 3D प्लान शेयर करूंगा और 3D प्लान के बाद मैं इसका 2D प्लान भी शेयर करूंगा, जिसमें रूम, किचन, टॉयलेट वगैरह का साइज़ देखने को मिलेगा, जो कि अभी आपको डिस्प्ले के कॉर्नर पर दिख रहा होगा। चलिए गाइस, सबसे पहले सारे डोर को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, ये आपका टॉयलेट का डोर है और इसका जो साइज़ है 2.5 फीट बाय 7 फीट है, मतलब 2.5 फीट इसका चौड़ाई और 7 फीट इसका ऊँचाई है। इसके बाद गाइस, ये आपका बेडरूम का डोर है और इसका जो साइज़ है 3 फीट बाय 7 फीट है। इसके बाद गाइस, ये आपका एंट्रेंस गेट है और इसका जो साइज़ है 3 फीट बाय 7 फीट है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, सारा डोर ओपन हो चुका है। अब गाइस, डोर के बाद हम लोग सारे विंडो को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, ये आपका बेडरूम का विंडो है जिसका साइज़ जो है आपका 4 फीट बाय 4 फीट है। इसके बाद गाइस, ये आपका किचन का विंडो है और इसका जो साइज़ है 3 फीट बाय 4 फीट है। और ये गैस आपका टॉयलेट का वेंटिलेटर है और इसका जो साइज है 2 फीट बाय 1 फीट है। अब गैस पूरे फ्लोर पे टाइल्स वर्क कर लेते हैं। तो गैस, ये आपका सारा टाइल्स वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। अब गैस सारे फर्नीचर को प्लान पे पुट कर देते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, सब कुछ पुट हो चुका है प्लान पे। तो गाइस, ये आपका 10 फीट बाय 30 फीट का 3D प्लान कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस थोड़ा जूम करके अच्छे से डिज़ाइन को देख लेते हैं। तो गाइस, ये आपका एंट्रेंस गेट हो गया जिसके थ्रू आप घर में इंटर करेंगे। तो गाइस, ये आपका ईस्ट फेसिंग किचन प्लस डाइनिंग हॉल हो गया, जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग सही माना जाता है। इसके बाद गाइस, ये आपका सीढ़ी का एरिया हो गया, जो कि आपका सीढ़ी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा, जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही माना जाता है। इसके बाद गाइस, ये आपका टॉयलेट हो गया जिसमें टॉयलेट सीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लगा हुआ, जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही माना जाता है। इसके बाद गाइस, ये आपका बेडरूम हो गया जिसमें आप कुछ इस तरह से बेड वगैरह लगा सकते हैं। तो गाइस, ये था आपका 3D प्लान। अब गाइस हम लोग इसका 2D प्लान देख लेते हैं। ओके, तो गाइस ये है इसका 2D प्लान। सबसे पहले इसका डायरेक्शन देख लीजिए। इसका फ्रंट जो है आपका इस डायरेक्शन में, मतलब आपका पूरब डायरेक्शन में। अब गाइस थोड़ा जूम करके अच्छे से डिज़ाइन को देख लेते हैं। तो गाइस, ये आपका किचन प्लस डाइनिंग हॉल हो गया और इसका साइज यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद गाइस, ये आपका सीढ़ी का एरिया हो गया, जो कि आपका सीढ़ी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा, जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही माना जाता है। इसके बाद गाइस, ये आपका टॉयलेट हो गया जिसमें टॉयलेट सेट जो है आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लगा हुआ, जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही माना जाता और इसका साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद गाइस, ये आपका बेडरूम हो गया जिसका साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो गाइस, ये था इसका 2D प्लान। तो गाइस, यही था आपका 10 फीट बाय 30 फीट का होम डिज़ाइन। उम्मीद करता हूँ यह डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर गाइस डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट डायमेंशन के होम डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय।